हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया, अ रैंडम सर्वे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग द पार्क वाज फाउंड फॉलो। ठीक है, यानी कि अलग अलग एज के बच्चों पर एक सर्वे किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1 से 2 साल के बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है, जो कि वेरियस ग्रुप ऑफ प्लेइंग मतलब अलग अलग ग्रुप के अंदर खेलते हैं जो, ठीक है। 2 से 3 साल के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे कितने हैं, 3, 3 से 5 वाले 6, 5 से 7 वाले 12, 7 से 10 वाले 9, 10 से 15 वाले 10, 15 से 17 वाले 4, ठीक है। बोला गया इसको हिस्टोग्राम के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इनके क्लास इंटरवल है वो सेम है कि नहीं है, यानी उनके अंदर जो गैप है वो सेम है कि नहीं है। अब देखो तो इनके अंदर कितने गैप है, 1 का, इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में 2 का, इनमें 3 का, इनमें 5 का और इसमें 2 का। तो फ्रेंड, इनका जो इंटरवल का डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो पहले हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका इंटरवल अगर, इनका जो गैप अगर सेम नहीं है तो जो इनकी फ्रिक्वेंसी होगी उसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंगली दे रखी है। हमें उसको हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबको इक्वल गैप रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और कॉलम बना लूँगा एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। बट उससे पहले मैं इस टेबल को नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर अगला कॉलम बना लूँगा एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का, ठीक है फ्रेंड। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसको। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस फॉर्मेट का फॉलो करेंगे, ठीक है। एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, जो अगला कॉलम बनेगा वो मेरा होगा एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे समायोजित बारंबारता। तो फ्रेंड, इसमें करना क्या होगा, हमें देखना सबसे पहले मिनिमम क्लास साइज, यानी कि इनके बीच के सबसे छोटा नंबर का कितने का गैप है। देखो इसमें 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कितना है, 1, ठीक है। आपको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जो मिनिमम नंबर है, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, मिनिमम नंबर को ऊपर रखना है सबके अंदर, मिनिमम को ऊपर रख लिया। फिर नीचे आ रहा क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, यानी इनका जो साइज है इस क्लास का, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 2, इनका जो खुद का क्लास इंटरवल है, जो क्लास साइज है वो मैं रखूँगा इनके नीचे, यानी कि इन दोनों का कितना है नीचे, 1, इन दोनों का 1, इन दोनों का 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, ठीक है। जो मिनिमम नंबर होगा वो सबके ऊपर आएगा, फिर इनका जो क्लास साइज होगा खुद का वो इनके नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई में आएगा फ्रिक्वेंसी, जो इनकी खुद की फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है, कितनी है, 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 5 में 1 का मल्टीप्लाई आएगा ना, 1 का डिवाइड देना 5 ही आएगा, यहाँ पे 3, 2 में 6 का डिवाइड देंगे 3, 2 में 12 का डिवाइड देंगे 6, 3 में इसका डिवाइड देंगे 3, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ये आ गई मेरी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अब हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन मैंने यहाँ बना लिया है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इतना होने के बाद जो फ्रेंड मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे कितने हैं, ये हैं, लेकिन अब हमें फ्रिक्वेंसी इसको नहीं लेना, इसे लेना है। तो ये जो मेरे नंबर है मैक्सिमम कहाँ तक गए, 6 तक गए हैं, ठीक है। तो एक एक का गैप ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गए मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद में आ रही है मेरी इनकी जो एज है, एज कहाँ तक गई है, 17 तक गई है। आप चाहो तो दो दो का भी गैप ले सकते हो, एक एक का भी गैप ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक एक का गैप ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूँगा। देखो 1 से 2 पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1 से 2, 1 से 2 ये रहा, कितना आ रहा, 5, 5 ये रहा,
इसको मार्क कर लिया और मार्क करके इसको अब ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, ठीक है। एक से दो पे कितना आ गया? 5। उसके बाद दो से तीन पे कितना आ रहा है? 3। दो से तीन पे आ रहा 3, यहाँ मार्क कर लिया और इनको मिला देता हूँ मैं। दो से तीन पे 3 आ गया। उसके बाद 3 से 5 पे 3 आ रहा है, 3 से 5 पे 3, ये रहा। ये मेरा आ गया 3 से 5 पे 3। फिर अगला 5 से 7 पे 6, 5 से 7 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6। दोनों को मिला देता हूँ, ये दोनों को मिला दिया, ये 5 से 7 हो गया। फिर अगला 7 से 10 पे 3, 7 10 पे 3 आ रहा है, 7 10 3, ये रहा। ये आ गया 7 10 पे 3। अगला 10 से 15 पे 2, 10 से 15 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया, इसको मिला देते हैं। टेन से 15 पे आ गया 2। उसके बाद 15 से 17 पे भी 2, 15 से 17 इस पे भी 2 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पे मेरा डायग्राम बन गया है। जो मैंने ये दिखाई थी, ये क्या थी? मेरी एज, एज इन ईयर, और जो ये थे, ये मेरे थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। ठीक है फ्रेंड, तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बनके तैयार होगा। आप इसको दो दो का गैप भी ले सकते हैं। और फ्रेंड याद रखना, इस ग्राफ को आपको पेंसिल से बनाना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। आपको थोड़ा डार्क नज़र आए, साफ नज़र आए, इसके लिए मैंने पेन का यूज़ किया है, आपको पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, और नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।